हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया बाउंड 5-डोर सुजुकी जिमनी के बारे में, जो कि स्पोटेड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो मारुति सुजुकी ब्रांड है, उसकी 3-डोर जिमनी हमें ऑलरेडी इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है, बट इस टाइम हमें 5-डोर वर्जन है वो स्पोटेड हुआ है, जो कि जल्दी हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है और जल्दी जो ब्रांड है उसको इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो फ्रेंड, ये जो स्पोटेड इमेजेस है वो हमें कम्प्लीटली अनडिस्गाइज देखने को मिला है। और फ्रेंड, स्पोटेड इमेजेस है वो हमें गूगल स्ट्रीट व्यू का देखने को मिला है। तो फ्रेंड, जो गूगल स्ट्रीट व्यू का 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है, उसमें हमें 5-डोर जिमनी है वो विदाउट कैमोफ्लेज स्पॉटेड हुई है, जो कि हमें समवेयर इन जापान स्पॉटेड हुई है। और फ्रेंड, इसका मेजरमेंट हमें लेंथ में 4 मीटर्स एंड जो व्हील बेस है वो हमें 2.55 मीटर्स का देखने को मिलता है। और फ्रेंड, ये जो 5-डोर वर्जन है इसका वेट हमें 1190 केजी जितना देखने को मिलता है, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें 210 mm का देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर बात करूँ इंजन के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 1.4 लीटर माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड, मारुति ब्रांड है वो मे बी इसके अंदर हमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो एज अ ऑप्शन ऑफर करने वाली है। और फ्रेंड, ये जो जिमनी है इसके अंदर हमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 5-स्पीड मैनुअल एंड 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड, ये इंडिया के अंदर हमें जुलाई 2020 तक ऑफिशियली लॉन्च होती हुई भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।